तुम्हारा नाम क्या? हाँ, मेरा नाम श्रेय है अच्छा और मैं दिल्ली के पास में ही एक गांव है बड़ोद, अच्छा वहाँ से आए हैं। आपका यूट्यूब पे देखा था हम लोगों ने वीडियो, हाँ जहाँ से पता लगा बैम्बू फार्मिंग का। तो आगे जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट के काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं जो चेंज हो गए हैं, जिसमें कि बैम्बू फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें स्पॉन्सरशिप, ये अपना सब्सिडीज़ मिल रही हैं, हाँ उसके हिसाब से हम लोगों ने सोचा कि हमारे यहाँ पे भी अगर शुरू करा जाए। हाँ आपके यहाँ पे पानी नहीं है, जैसे नाम ही है जगह का नहीं पानी, हाँ वहाँ पे बहुत अच्छा पानी वानी है, वैसे कल्चर बहुत बचा है, फर्टाइल लैंड है, तो उसके हिसाब से देखना चाहा था, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और 100% करना ही अभी उधर, पहले कितना कितना प्लान कर रहे हैं कि कुछ 5 एकड़ से शुरू करेंगे, अच्छा ठीक है ठीक फिर जैसे आपसे बात हुई उसको बढ़ाते जाएंगे आगे। अच्छा अच्छा रहा ठीक तो बहुत बढ़िया लगा मिल के आपसे इधर आके। ठीक है ठीक है सर। व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम इज चीना, ओके अच्छा मैं दिल्ली से ही हूँ। हम लोग साथ में ही आए हैं ये सब देखने, बैम्बू फार्मिंग कैसे आपने किया है, कब से आप कर रहे हो। ऑब्वियसली जब हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे कि कैसे करना है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना टाइम लगता है, क्या फर्टिलाइजेशन है, मतलब कितना पानी चाहिए। बट आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है एंड आई सेटिस्फाइड। अभी ओके समझ में आ रहा है कि ठीक है, आगे इन्वेस्टमेंट जो भी है बट एटलीस्ट इसका ROI इज़ गुड, ओके तो वी लाइक इट। ओके ओके सर आपका गुड नेम? माय नेम इज समीर कपूर, आई हैव कम फ्रॉम पुणे एंड मैं तो, मेरे पिताजी ने किताब लिखी है उसमें आपके ऊपर लिखी स्टोरी, अच्छा तो अच्छा उनसे रोज़ बात होती थी, तो एक बार मैंने बोला आपको आके पक्का मिलना है। एंड यू नो आई वाज लुकिंग एट फार्मिंग सीरियसली, तभी हम लोगों ने, तीनों ने एक बार बैठ के बात करा कि उन लैंड अवेलेबल है और उसको कैसे कर सकते हैं। आई थिंक आपका एक हेल्पफुल नेचर जो है, अभी आपके साथ मैं जितनी देर भी रहा, आपको लोगों ने कॉल किया, आप इतने पेशेंटली लोगों के कॉल लिए, आपने उनको एड्रेस किया। आई थिंक ओवरऑल हमारे काफ़ी डाउट्स जो थे लेके आए थे हम लोगों, सब क्लियर हो गए हैं। वी वेरी क्लियर लाइक श्रेय सेड कि हम लोग यू नो विल बी गोइंग एड विद दिस फार्मिंग एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट गाइडेंस मिलना। अच्छा लाइक आपने जैसे बताया कि कौन सी स्पीसीज अच्छी है, कैसे लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक अच्छा जिसको भी करना चाहिए फार्मिंग, ये एक बार आपसे आके मिल लें, दे शुड विजिट यू सो दैट दे अंडरस्टैंड। एंड अपने जो देखने में है, मैंने आपके वीडियोज़ बहुत सारे देखे थे, लेकिन जो आप मिल के देखने में और जो फार्म को देखने से समझ आता है वो यहीं पर आके समझ आता है। अच्छा तो अब आपको मैंने और बिजी कर दिया, और लोग आएंगे चलेगा लेकिन हाँ बहुत मजा आया आपसे मिलके एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प दैट यू गिव अस। ओके ओके चलो चलो थैंक यू टू ऑल थैंक यू।